करता हूं, जिस घर में सूरज की किरणें उस घर में खुशियों के झरने। वाग्भट जी कहते हैं कि भोजन कब करें, सूरज की किरणें जहां से उगी वहां से तीन घंटे, ढाई से तीन घंटे के अंदर आपने पेट भर भोजन करना है। अगला सूत्र क्या है कि सूर्य उगते ही, मतलब सूर्योदय होते ही ढाई से तीन घंटे के अंदर भरपेट भोजन कर ले। ये सूत्र है भोजन का। तो हमने इसके ऊपर काम किया कि ऐसा क्यों लिखा होगा 3500 साल पहले। तो हर जानवर सूरज उगते ही भरपेट भोजन करता है, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो और गधा हो। सुबह उठते ही तीन ग्लास गुनगुना पानी में तीन घंटे के अंदर भोजन करता है। पता चला कि ऐसा क्यों लिखा, तो एक जठर है पेट में, जठर, इसका इसमें जठर अग्नि है, जठर में एक अग्नि है, इस अग्नि का और सूर्य की अग्नि का आपस में संबंध है। जठर अग्नि और सूर्य की किरणों का आपस में संबंध है। जैसे जैसे सूर्य की अग्नि ऊपर बढ़ती है, सूर्य तेज होता है, वैसे वैसे जठर अग्नि और पल्लवित होती है और भड़कती है और भड़कती है और भड़कती है। तो वाग्भट जी कहते हैं कि भोजन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, भोजन को पचाना इंपॉर्टेंट। बंद हो गया तो फिर से भोजन आइसक्रीम का नाम लिया तो बंद कर दिया। तो पता चला कि भोजन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, भोजन को पचाना इंपॉर्टेंट है। अभी आपने क्या किया कि भोजन किया, आप और मैं, हम सब लोग, आजकल के जितने भी लोग हैं वो कैसे भोजन कर रहे हैं आपको बताता हूं, दिनचर्या कैसी है। पहली स्टेप है मुंह में भोजन डाला, दाल सब्जी और रोटी का निवाला लिया और मुंह में डाला, दो चार बार चबाया, पेट में डाला। दूसरी स्टेप ली, तीसरी स्टेप में ये पेट में मिल गया, खिचड़ी बन गई इसकी। चौथी स्टेप में ये गर्मी के कारण इसका पेस्ट बन गया और पांचवी स्टेप में इसका रस बना, इसी रस से पचन होकर इसका रक्त बना, मांस मज्जा वीर्य हड्डियां मल मूत्र ये सब बना जब वो पचन हुआ। मगर हुआ क्या कि ये पेट जो है ना उनका निकल रहा है भोजन करने के बाद में, जो भोजन को दो चार बार ही चबाते हैं। आज मैं बाबूजी से बात कर रहा था ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि दांतों का, हम दांतों का काम आंतों से ले रहे, दांतों का काम है मुंह में पेस्ट बनाकर उसको पेट में डालना, फिर वो उसको पेस्ट बनाएगा, उसको और रक्त उसका रस बनाएगा और उस रक्त को डिवाइड करेगा फिर रक्त में और अलग अलग पार्ट में, उससे अलग अलग पार्ट बनेंगे बॉडी के। तो अभी होता क्या है, इतने वॉल्यूम में पेट में जो भोजन चला गया तो ये इलास्टिक है, जितने देर तक ये पेट ऐसी वॉल्यूम में रहेगा भोजन तो पेट जो ना बाहर निकल रहेगा। अभी हमको स्टेप्स क्या माइनस करनी थी, 32 दांत अगर दिए हैं तो आप दिमाग से उसको आज से कर लीजिए कि 32 बार चबाने की कमांड दे दीजिए। तो सूत्रों में कहा जाता है कि भोजन को पियो और पानी को खाओ, भोजन को पियो और पानी को खाओ। मतलब कैसा कि पानी मुंह में घुमा घुमा कर रख कर उसको फिर नीचे उतारो, धीरे 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 पियो। और भोजन को पियो मतलब भोजन को मुंह में ही पेस्ट बना लो, 32 बार चबा चबा के एक निवाले को इतना पेस्ट बनाओ कि पानी जैसा तरल हो जाए और फिर उसके बाद में नीचे उतरे। तो ये कहा जाता है। तो हुआ क्या कि जब आप पेट मुंह में ही पेस्ट बन गया तो उसको पेट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वो गर्मी के कारण जो उसका डायरेक्ट रस में रूपांतरण होगा और वो रक्त में रूपांतरण होगा और सब चीजें बनेंगी। अभी आप लोग क्या करते हैं, मैं आपकी दिनचर्या बताता हूँ। सुबह उठते चाय वाय पिए, सब किए, वो सब योगा वाला किए, चाय वगैरह पी लेंगे, कॉफी पियेंगे, फिर उसके बाद में नाश्ता करेंगे, पोहा या एक चपाती दो चपाती खा लेंगे, फिर निकलेंगे डब्बा लेकर, फिर 1:30-2 बजे जो लंच होगा वहाँ पर 3-4 चपाती खाएंगे, सब्जी वगैरह खाएंगे, रोटी खाएंगे, दाल चावल, और फिर उसके बाद में शाम को 4-5 बजे फिर चाय और कॉफ़ी और ये सब बिस्किट वगैरह साथ में, और फिर रात को घर पर पहुँचेंगे 8-9 बजे भोजन करेंगे भरपेट और फिर सो जाएंगे। ऐसे करते हैं ना, मुझे कैसे पता, मैंने कैमरेज लगाए। पता चला कि हमारे देश में नाश्ता ये शब्द ही नहीं था,
आयुर्वेद में नाश्ता नाम का कोई शब्द नहीं। वाग्भट जी ने कहा भरपेट भोजन, जितना हेवी से हेवियर खा सकते उतना। मान लो कि 7 बजे अगर दिल्ली में सूर्योदय होता है तो 3 घंटे के अंदर, मतलब कि 10 बजे तक, 9:30-10 बजे के अंदर वो भरपेट भोजन कर लो, आलू के पराठे, मेथी के पराठे, जितने भी हेवी पनीर के पराठे, कोई भी गोभी के पराठे जितने खा सकते हैं आप सब खा लो, हेवी से हेवियर। क्योंकि जो आपको अंग दिया है उसको पचाने के लिए उसकी जठर अग्नि काम करने वाली है 12 बजे तक। 12-1 बजे तक ये पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और उसका रस में रूपांतरण हो जाएगा, उसके सारे चीजों में रूपांतरण हो जाएगा और वो आपके शरीर के काम में आने वाला है। आप बोलेंगे फिर भूख लगती तो दोपहर को, मतलब आप कह रहे हैं कि लंच मत करो, मैं वही कह रहा हूं लंच मत करो। जितना जठर अग्नि है उसको पचाने वाली उतने समय में करो, क्योंकि 12 बजे के बाद जब सूर्य ऊपर आएगा तो वो उसकी अग्नि कम होने वाली है सूर्य की किरणें, और जैसे सूर्य की किरणें कम होंगी वैसे वैसे जठर की अग्नि भी कम होते जाएंगी। तो कब भोजन करना है, आयुर्वेद में कहा है कि जब भी आपको खाना है मुंह में कुछ डालना है तो 3 ही बार मुंह में जाना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं। मान लो कि अभी ये चना आ गया, ये भी खा लिया, ये सेंगदाने आ गए वो भी खा लिए, वो चौक पे थोड़े से काजू मिल रहे हैं भूजे हुए वो भी खा लिए, वो घर में गए थोड़े से ड्राई फ्रूट पड़े हैं वो भी खा लिए, वैसा नहीं। सुबह आपने भरपेट भोजन किया, दोपहर को अगर थोड़ी सी आपको भूख लग रही है 1 हाथ चपाती खा ली।